नमस्कार, स्वागत है आपका तृप्ताज रेसिपी में। आज जन्माष्टमी है तो चलिए हम कुछ मीठा बनाएंगे। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ मखाने की गुड़ वाली खीर। तो चलिए पहले इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो ये मैंने एक छोटे बाउल से 2 बाउल मखाना लिया है जो कि करीबन 50 ग्राम है, और सेम बाउल से मैंने 1.5 बाउल 1.5 बाउल गुड़ पाउडर लिया है। थोड़ा सा हमें घी लगेगा। 1/2 लीटर मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है, ये इलायची पाउडर है, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, और ये गुड़ का रस बनाने के लिए थोड़ा सा पानी लगेगा। ये कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच घी ले लिया है, उसको थोड़ा गर्म होने देंगे और फिर उसमें हम हमारे मखाने को थोड़ा सा भून लेंगे। जब तक हमारे मखाने भून रहे हैं तब तक मैंने दूध को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। ये 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा मखाना अच्छे से क्रंची हो चुका है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और तब तक हम हमारे गुड़ का रस बनाने की तैयारी करेंगे। ये गुड़ का रस बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में गुड़ ट्रांसफ़र कर दिया है, गैस चालू कर दी है, और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और गुड़ को पूरी तरह से गलने के तक हम पकाएंगे। पानी डालने के बाद गुड़ को गलने अच्छी तरह से गलने तक हम इसे पकाएंगे। ध्यान रखिएगा पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। मैंने कम से कम 4 से 5 चम्मच पानी डाला है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। ये देखिए हमारा गुड़ का रस अभी रेडी हो चुका है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसको हम ठंडा होने देंगे। ये मखाने भी हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इसको मिक्सर में थोड़ी देर के लिए चला लूँगी। बहुत पतला नहीं पीसना है, हल्का सा इसको ग्राइंड करना है। ये देखिए ग्राइंड करने के बाद इस कंसिस्टेंसी में चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसका पाउडर नहीं बनाना है। मैंने दूध को कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है, इसको थोड़ा गर्म होने दिया है। अब हम इसमें हमारे मखाने डालेंगे। अच्छे से चलाएंगे। ये धीमी आंच पर हमें इसे कम से कम 10 मिनट तक पकाना है। जब तक हमारे मखाने दूध में पक रहे हैं तब तक ये गुड़ के रस को हम छान लेंगे और पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ये 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और हमारा मिक्स कुछ इस तरह का बन गया है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ध्यान रखिएगा ये मिक्स और गुड़ का रस दोनों ही पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए, तभी दोनों को एक साथ में मिलाना है, वरना आपकी खीर फट सकती है। ये देखिए ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और हमारा गुड़ का रस भी ठंडा हो चुका है। अब हम धीरे धीरे करके गुड़ का रस इसमें डालेंगे। ये मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें इलायची पाउडर डालूंगी। ये हमारी मखाने की गुड़ वाली खीर रेडी है। अब मैं इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ में गार्निश करूंगी। ध्यान रखिएगा गुड़ का रस और मखाना और दूध का जो मिक्स हमने बनाया था वो दोनों ठंडा होने के बाद ही मिक्स करना है, वरना हमारी खीर फट जाएगी। अब ये खीर हमारी रेडी है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।